चलेगा। हेलो गाइस, ये देख सकते हैं हमारे इम्पोर्टेड, हमारे चाइना से आए यहाँ लहाने आए, बहुत दूर से है। कहाँ से आए हैं? चाइना, चाइना, चाइना से। सर कैसे कैसे? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के एक और ताज़ा तरीन और बेहतरीन वीडियो में, जो कि काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से एक वीडियो मैं अपने चैनल पर डालने जा रहा हूँ, जो कि आज मैं अपने घर के पास में ये कड़के वाटरफॉल है, जो कि रांची जाने के समय रास्ते में ही मिलता है। तो हम और मेरे कुछ दोस्त जा रहे थे वहाँ पर इसी तरह घूमने, क्योंकि बारिश का मौसम है अभी और पानी आ रखता है सभी झरनों में, क्योंकि छोटा सा झरना है, उतना बड़ा झरना तो है नहीं वहाँ पर फिर भी, लेकिन हमारे लोकल्स के लिए बढ़िया जगह है वो घूमने के लिए, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए छोटा सा स्पॉट है। तो चलिए मैं आपको उस झरना का आनंद दिलाता हूँ। और अच्छा तो चलिए, घर से तो निकल के फिलहाल रोड पर आ चुके हैं और दो चार दोस्त आएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए कुछ सुंदर सुंदर पहाड़ और उस साइड भी पहाड़ ही पहाड़, और हमें जाना है इस साइड नीचे, जो कि आगे से रास्ता नीचे उतरेगा। नज़ारा देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा नज़ारा लगा, और वाटरफॉल तो आपको देखना ही है, जितना सुंदर जगह है उतना एक्सीडेंटल जगह भी है ये, क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, इसलिए थोड़ा बच बचाव के चलाना पड़ता है गाड़ी यहाँ पर। ये देखिए ये जो कोयले वाले को आप देख रहे हैं, बेचारे रांची जाएंगे ऐसे ही पैदल ही पैदल रांची तक जाएंगे और फिर। तो यही है घाटी से साइड चल के, साइड से मैं आया हूँ रामगढ़ की तरफ से, और ये रांची की तरफ जाएगा रास्ता, और इसी रास्ते के बीच में ही है ये इस साइड झरना, जो कि तो फिर इधर से ही नीचे जाना है हम लोगों को। और फिर देखिए इस तरफ भी, मेरे पीछे भी चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और उस नीचे में है एक छोटा सा झरना जो कि काफ़ी प्यारा है। और ये बात सोच इतना हम लोग जैसा कोई आया होगा तो पता चला होगा, खुखड़ी नोचने आया होगा। देख यारी बहन जो पानी बह रहा है, मैं जो छोटा हूँ ना, हम उनसे पूछे थे, उनका मैं ना सब 10-15 साल पहले का पोस्ट देखे यही पिंजर दूंगा कुछ छोटे भी करके कहाँ से बोले ना तुम आया था भाई जन्म सब बनेगा सब। अरे हम तो अपने मोबाइल निकाल पे ना फिर भाई। चलो भाई पैंट उठा लेना, पानी बढ़ गया है। अच्छा ठीक है, समझ गया। पानी बढ़ गया वगैरह, नहाने में मजा नहीं आएगा। अबे उधर से उतरना है, इधर क्या ला रहा है? उधर से उतरे, काहे चिंता कर रहा है? अनुराग गड़िया ला के रखते हैं, गिर गया तो समझ लेते हम लोग चल जाएंगे है कि नहीं। ब्लॉग में क्या ले रहा है? हेलो गाइस, ये देख सकते हैं हमारे इम्पोर्टेड, हमारे चाइना से आए यहाँ, बहुत दूर से है। कहाँ से आए हैं? चाइना, चाइना, चाइना से। सर कैसे कैसे आप इंडिया पहुँचे, इंडिया से फिर झारखंड आए? भाई जहाँ से आप आए। अरे हम तो कहीं और से हैं, आप कहाँ से हैं? तो आप आए हैं जर्मनी से भाई। उधर से चल, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे इधर। चलो उधर हम भी भाई इधर से जाएंगे, दिमाग खराब कर। जब रास्ता है तब काहे ले, एक रहता ही रास्ता नहीं है। तब हम चार्जर से सोचते करते। तो दोस्तों ये है झरना, जो कि पानी हो गया है कम।
पानी बहुत कम हो गया। जल जा वहीं ना जा। कौन सा झरना लगा ले तेरा घर में पे? कितना लीटर का टंकी बैठवाया है? झरना तब नहीं लगा लगा, पाइप खुले छोड़ दिया तेरा बाबा, डायरेक्ट बन गया गिरता हो गया। पानी का में लेकिन मजा लो मस्त। चल नीचे। हाँ थोड़ा सा। हाँ चप्पल खोल दे, चप्पल मत पहन के चल, रिस्क है। तेरा रबड़ वाला। हाँ वो तो खोल भी करेंगे। फोन है ना उसमें मेरा, पता भाई इतना टाइम होना था ना, एक दो बोतल और पानी रखना था। चलना कोई दिक्कत नहीं, अब घरे चलना है। अरे देख बाहर आ, देख देख देख, अबे यहाँ है देख, अबे उठा ले देख, बैठ गया। तुम हेयरबैंड खोजो, हम लोग आ रहे हैं। अबे वो वाला गिरगिट वो बढ़ता वो नहीं होता है? हाँ वही पानी गिरा रहा है। वो भी है यहाँ पे जो आदमी टाइप का हो जाता है। अबे बढ़ता वो चल चल, मगरमच्छ को बात कर रहा है। नजारा देखिए, नीचे जाना होगा ना, यहीं से गिरते हैं। यहीं से गिरते हो? यहाँ से गिरते हो। तो यही था झरना, क्योंकि इस बार पानी नहीं था कुछ इतना खास। पिछले बार आया था तो काफ़ी पानी था, यही कुछ हफ्ता दिन पहले आया था तो काफ़ी पानी बह रहा था, बट इस बार उतना पानी का बहाव कम हो चुका है। शायद खेती के कारण खेत वाले बांध कर रखे होंगे पानी को, बांध बनाकर। नहीं तो ये पूरा एकदम भरा पड़ा था, यहाँ से पूरा पानी ही पानी आता था। इस बार थोड़ा पानी कम है। तो यही था चुट्टूपालू घाटी का छोटा सा झरना, जो कि बढ़िया ही है। और कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए जोहार।